हाय गए दोस्तों, यह एक खंबे वाली लाइट जिसकी ये अडाप्टर ख़राब हो चुका है। अभी मार्केट में मिल नहीं रहा है, इसलिए हमने इसमें एक मॉड्यूल लगाने का सोचा है। इसको बीच से तोड़ देंगे, इसका जो ये पीछे वाला सप्लाई है जो उसमें बीच में ट्रांसफार्म लगा है, इससे यहाँ से हम तोड़ देंगे, प्लेट के दो टुकड़े हिस्से कर देते हैं हम। ये हमने तोड़ दिया है, इसके दो हिस्से कर दिए हैं और इसमें एक मॉड्यूल लगाते हैं। अगर वो मॉड्यूल सक्सेसफुल होता है तो आप ऐसे भी लाइट रिपेयर कर सकते हैं, अगर अडाप्टर नहीं मिलता है तो। ये मैंने एक ब्रिज रेक्टिफायर बना के रखा है, एक प्लेट है उसमें से तोड़ लिया ब्रिज रेक्टिफायर। ये देखते हैं, आप कैपेसिटर लगा है और इसमें चार डायोड लगे हैं, ये ब्रिज रेक्टिफायर हो गया। और जो है ये मॉड्यूल, या आसानी से आपको मार्केट में प्राप्त हो जाएगा। पहले हम इसके कनेक्शन करेंगे। ये आप छोटा सा भी बना सकते हैं, चार डायोड और एक कैपेसिटर लगा सकते हैं, 450 वोल्ट का और 10 mFd का। यह मैं आपको डेमो दिखाने के लिए बना रखा है मैंने, आप तो इसे छोटा सा आइटम बना ताकि इसके अंदर आ सके, नहीं तो इसके अंदर का ऐसे बड़ा होंगे तो इसके अंदर आएगा नहीं। अगर आप चाहते हैं कि हम एक छोटा सा बना के दिखाएं तो कमेंट करना, हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। जो इसका नेगेटिव ब्लैक वाला, इसका नेगेटिव है, और यह है इसका येलो वाला प्लस पॉजिटिव। ऐसे ही हम इसके कनेक्शन भी कर देंगे। यह है मॉड्यूल इसका, यह है ब्लैक वाला ब्लैक के साथ, और ये पॉजिटिव वाला इसके, ये हम देख सकते हैं कनेक्शन। अब हम इसको ऑन करके देखते हैं। ये रहा इसका लीड, ये आप देख सकते हैं। अब इसको प्लग में लगाता हूँ, ये देखो आप कितना ब्लो कर रहा है, बहुत ही बढ़िया जल रहा है, बहुत ही बढ़िया, सक्सेसफुल हुआ हमारा ये। आप भी ऐसे कर सकते हैं अगर आपको अडाप्टर ना मिले तो मार्केट में। ये पिछला इसका जो सप्लाई वाला सिस्टम है पूरा ख़राब हो गया था, और ये वाला सब बीच का तोड़ के हमने इसमें कनेक्शन करके, और ये फर्स्ट क्लास तरीके से काम कर रहा है। अब इसमें से वोल्टेज कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखो आप कम कम हो गई तो कम कर दिया, आप इसको बढ़ाएंगे तो ये लाइट भी बढ़ेगी। देखोगे ज़्यादा बढ़ाने पर ओवर हो जाएगा, खराब हो सकता है, हीट हो गया आपका। मगर हमने इसका वोल्टेज बिल्कुल फिक्स कर दिया, बहुत ही बढ़िया चल रहा है। आप कमेंट करना कि वीडियो आपको कैसी लगी, और पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और जो लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताना आपको।